एक मुंबई में जिसका उदाहरण पूरी मुंबई देगी, ऐसा और एक प्रकल्प सम्माननीय खासदार गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में बनाए। मुझे लगता है एक बार फिर से हम जोरदार तालियां करके हम साहब का अभिनंदन करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे। तुमको गिनवा देता हूँ, 12 एकड़ का पुलिस जिम खाना, 6.5 एकड़ का सत्ता मैदान, 10 एकड़ का मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, 7 एकड़ का वीर सावरकर, 15 एकड़ का बालासाहेब ठाकरे क्रीडांगन, 15 एकड़ का प्रमोद महाजन क्रीडांगन, और अगल बगल में जो है साई बाबा नगर, ये वो एकता ग्राउंड, 100 एकड़ जो एक वार्ड में है, एक वार्ड में 100 एकड़ है। 100 एकड़ जितनी तालियां बजनी चाहिए उसके आगे खासदार गोपाल शेट्टी जी ने किया। मुझे लगता है स्पोर्ट्स के लिए इतनी समर्पितता गोपाल शेट्टी जी ने दिखाई है, हम सब उसके आभारी हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। मैं युवराज भाई को फिर एक बार विनती करूंगा कि जो कल के प्रोग्राम और परसों के प्रोग्राम है उसकी जानकारी और एक बार दे, मैंने ऑलरेडी 2 बार दी है, और एक बार दे। धन्यवाद जी ने बताया आप सबके, जैसा मैंने पहले बताया साथ साथ में आपको सबको बताया कि मलाड के अंदर ओपन स्पेस के साथ साथ में अगर दूसरी कोई समस्या सबसे बड़ी थी तो वो रोड की और ट्रैफिक की समस्या थी। तो रोड और ट्रैफिक के बारे में सबसे अधिक कोई अगर किसी ने काम किया रहेगा, मैं पूरे दावे से के साथ में कहता हूँ, बहुत सारे रोड है लेकिन वो रोड सांसद गोपाल शेट्टी जी से विनती करता हूँ, मैं अभी तेजिंदर तिवाला जी से विनती करता हूँ कि सभी रहवासियों के लिए, मैं तो कहूंगा मुंबई करो के लिए एक अभिमान का विषय है कि इतिहास इतना बड़ा एक खेल का मैदान जिसमें 8 विविध खेल, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे ऐसे नए खेल और जो सालों से खेलते आ रहे पुराने खेल, खासदार के रहवासियों को अभिमान ऐसे महसूस करवाए। मंडल के अध्यक्ष श्री राहुल सिंह जी, तालियां इतनी जोर से बढ़ाओ कि आने में 6-12 महीने में और एक ग्राउंड बनना चाहिए। संवारने के लिए इस पूरे कंसेप्ट को डेवलप करने को गोपाल शेट्टी जी को बहुत अच्छी मदद हमारे पालक आदरणीय मंगल प्रभात गौड़ा जी, मंगल जी आपका हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हेलो हेलो, ऐसा है कभी नेता लोग आ जाएंगे मैं मेरा भाषण कर लूंगा, ये मेरा स्वागत सम्मान सब ये करते रहेंगे, लेकिन मेन स्वागत मुझे जिसका करना है वो मंगल जी के आज से बाद में हम कर लेंगे। तेजिंदर आगे विजय, ये तेजिंदर तिवाना और उसके माता जी ने ये ग्राउंड मुझे 6 साल के पहले दिखाया और कहा कि ये कलेक्टर के पास है और इधर एनक्रोचमेंट भी हुआ था, एक ने कब्जा किया था, कोर्ट कचहरी सब हो गया और बहुत बार हम लोग कलेक्टर के पास जाकर मीटिंग किए और ये सारा छुटकारा करके बाद में डेवलप हुआ है। मेरा सम्मान तो मैं सांसद हूँ इसलिए होगा ही, लेकिन मैं मानता हूँ कि असली सम्मान अगर किसी का होना है तो तेजिंदर तिवाना का होना है। मंगल प्रभात जी आएंगे तो फिर एक बार हम करेंगे। श्री राहुल से निवेदन करूंगा कि आप हमारे नेता आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी का स्वागत करें। वंदे बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। मैं जमुना पटेल जी से निवेदन करूंगा सम्मान्य, मैं संदीप सावंत जी से निवेदन करूंगा सम्मान्य योगेश शर्मा जी का स्वागत करें। मैं अनूप पाठक जी से निवेदन करूंगा, बहुत सारे सम्मान मूर्ति हमारे मंच पर है, सभी का स्वागत होगा, लेकिन हम सभी भाग्यशाली है कि हम उत्तर आज इस उद्घाटन में 2 खास कारण है। एक तो जो हमारे देश स्वागत करें,
सचिन वाडेकर जी से निवेदन करूंगा कि सम्मान्य गणेश शंकर जी का स्वागत करें। मैं सूरज दुबे जी से निवेदन करूंगा। देखिए आप सभी आज पूरी उत्सुकता के साथ जिस नेता को सुनने आज यहाँ पर आए हैं, ऐसे मंगल जी हमें संबोधित करेंगे उससे। एक मिनट कलेक्टर साहब, नीचे करो, नीचे आप क्या रहे, अरे वो नीचे करो, अरे कितना लोग पीछे रहो। मेरा सभी से निवेदन है जिसका स्वागत सम्मान रूपा शेट्टी साहब का स्वागत करेंगे, उसके बाद राजस्थानी समाज से अजय राज पुरोहित जी और उनकी पूरी टीम। सन्नी जी, दिलीप जी, देवीलाल जी, सुरेंद्र जी, रविंद्र जी, रामेश्वर जी, चंपालाल जी, चलिए सभी थोड़ा थोड़ा जगा दे लीजिए, फोटोग्राफर करें कृपया करके जल्दी जल्दी कर लीजिए, 5 मिनट का समय हमारे पास, कार्यक्रम को समाप्त करना है। जिन्होंने भारत देश को रिप्रेजेंट किया है ऐसे स्पोर्ट्समैन भी हमारे बीच में आए हैं, तो मैं आदरणीय लोढ़ा सर और इंडियन टीम के हॉकी के गोलकीपर थे और उन्होंने इंडियन टीम के लिए 165 मैचेस उनके करियर में किए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा। एडियन डिसूजा जी कृपया करके आप मंच पे आगे आ जाइए और मैं आदरणीय गोपा शेट्टी साहब और आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा सर से निवेदन करूंगा कि एडियन डिसूजा जी का सम्मान करें। एडियन इंजीनियर इंडिया बॉयज एंड गर्ल्स के कोच है हॉकी टीम के, ऐसे हमारे एडियन डिसूजा जी, प्लीज आपसे मैं मलाड के रहवासी है, उनका सम्मान करें। उसके साथ साथ चिन्मय प्रभु जी हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है, जो 4 times गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, उनसे भी निवेदन करूंगा। चिन्मय प्रभु जी आप जल्दी आगे आ जाइए, पजल सॉल्व करने के लिए पिरामिड का, और बाद में इन्होंने रोमानियास गॉट टैलेंट यूरोप में जाके भी हॉकी को प्रमोट नहीं किया, लेकिन साथ में साथ हॉर्स राइडिंग जैसे स्पोर्ट्स को भी और खास करके मलाड में प्रमोट कर रहे हैं। और महाराष्ट्र बीच अंगल्स किचन, आप फेमस अंगल किचन नाम जानते होंगे, जो 40 साल से फेमस रेस्टोरेंट है मलाड का, उनके जो ओनर है ऐसे रॉनी डिसूजा जी। मैं प्रीतम फाउंडेशन, जिन्होंने अपने जीवन में महाराष्ट्र स्टेट टीम में और यूनियन मैन के लिए और बहुत सारे ऐसे एशियन फुटबॉल फेडरेशन को रिप्रेजेंट किया, ऐसे रायन डिसूजा जी, उनसे भी निवेदन करूंगा। वार्ड क्रमांक 47 के सारे कार्यकर्ता तेजिंदर तिवाना और जया तिवाना जी के मार्गदर्शन के अंदर हम सबके पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी और सांसद गोपाल शेट्टी जी का सम्मान कर रहे हैं। हमारे बीच में अवश्य नगर गुरुद्वारा समिति से भी लोग आए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो आने के लिए, लेकिन 2 मिनट का। और महाराणा प्रताप क्रीड़ांगण के उद्घाटन में इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं, मैं चाहूंगा आप लोग जोरदार तालियां बजाएं और आपका स्वागत करें, तालियां और जोरदार होनी चाहिए। मैं मैदान में दूसरे छोर से गोपाल भाई आई के सभी पदाधिकारियों को अलग अलग मैच खेलने का यहाँ पर मौका मिले, तो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट और मोदी जी के शपथ विधि के बाद एक बार फिर यही मिलेंगे, पूरी ताकत के साथ मिलेंगे और कुछ हंसी के पल, खेल के पल भी हम इतनी सुंदर कल्पना को उन्होंने साकार किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मदद मिले। धन्यवाद आदरणीय संजय उपाध्याय जी। मैं देखिए हमारे कार्यक्रम में आज आचार्य पवन त्रिपाठी सर भी आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। योगिता कोली नगर सेवी का भी है, जया तिवाना जी है, गंगाराम जमनानी जी है, बाबा सिंह जी है, दिलीप जी है, निखिल व्यास जी है, अमर शाह जी है, मुंबई युवा मोर्चा के तीनों महामंत्री, दीपंता पार्टी मुंबई के सम्माननीय महामंत्री श्री संजय उपाध्याय सर से मैं निवेदन करूंगा कि उपस्थित सभी मलाड के और उत्तर मुंबई के रहवासी।
पामकोट रेसिडेंस, पामकोट के रेसिडेंस से निवेदन है, कृपया आप आ जाइए, जल्दी आ जाइए पामकोट। बस कुछ ही देर में हम कार्यक्रम का समापन करें। पामकोट रेसिडेंस, आप सब एक साथ खड़े रहिए फोटो के लिए ना, आप खड़े रह जाइए। गौ भारत भारती मैगजीन का भी आप विमोचन करिए जाकर, फोटो हो जाए। हमारे नेता आदरणीय प्रवीण दरेकर साहब का आगमन हो चुका है, मैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, सभी से निवेदन करूंगा, आदरणीय प्रवीण दरेकर जी हमारे बीच में है। भारत माता की वंदे। निवेदन करूंगा आज यहां महाराणा, यहां पर अमली पदार्थ और कहीं ना कहीं शराब का अड्डा बन चुका था, 200 से 300 ऐसे अज्ञात आए थे। सन्मान्य गोपाल शेट्टी साहब, मुंबईच्या उपनगराचे सन्माननीय पालकमंत्री माननीय मंगल प्रभात लोढाजी, सन्माननीय संजय उपाध्याय, नगरसेविका तिवाना मॅडम, सब व्यासपीठावरचे सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि ज्यांनी या सर्व उपक्रमासाठी कार्यक्रमासाठी पुढाकार घेतला, ये भारतीय जनता युवा मोर्चाचे मुंबईचे अध्यक्ष सन्माननीय तेजेंद्र सिंग तिवाना, त्यांचे सर्व सहकारी, सर्वप्रथम शेट्टी साहेबांचं मनापासून या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो, अभिनंदन करतो की आपल्याला जे उद्यान सम्राट म्हणून जी उपाधी लागलेली आहे ती सार्थ करण्याचा भारत माता की मैं वैसे पता नहीं मुझे मंगल जी का आग्रह इसलिए अपनी बात कहने के लिए यहां पर खड़ा हूं, जिनके प्रयास से ये आज उद्यान बन रहा है, ऐसे हमारे आदरणीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी के प्रयास से। आचार्य पवन त्रिपाठी जी उपस्थित है, उनसे निवेदन करूंगा संक्षिप्त में अपनी मनगर के इस उद्घाटन में मंच पर उपस्थित यहाँ के पालक मंत्री आदरणीय प्रयासों से इतना सुंदर क्रीड़ांगण बना, ऐसे युवा मोर्चा के मुंबई के अध्यक्ष हमारे मित्र आदरणीय श्री तेजेंद्र सिंह तिवाना जी, यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं बहनों भाइयों, इतना सुंदर कार्यक्रम और इतना सुंदर क्रीड़ांगण आप सभी लोगों के प्रयास से बना है, इसलिए मैं जिन्होंने अपना जीवन परिवार के लिए कम समाज के लिए ज्यादा दिया है श्री गोपाल शेट्टी जी, हम सबके नेता और जो विधान परिषद में हमारे गट नेता है ऐसे माननीय श्री प्रवीण दरेकर जी, गणेश खनकर जी, पवन त्रिपाठी जी, और आज की जो इतनी लंबी सुंदर सी बारात इकट्ठी हुई है, इस बारात के दूल्हे तेजेंद्र सिंह जी तवाना, सभी नगर सेवक पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु भगिनों, संजय उपाध्याय जी हमारे महामंत्री जी, मैं भाषण बिल्कुल नहीं दूंगा, अपन यहाँ से चलेंगे उस खेल का मैदान का उद्घाटन करेंगे। केवल एक छोटा सा सलाह मैं तेजेंद्र सिंह की तमाना उनकी टीम को देना चाहता हूं कि आप यहां पर सारे खेल खिलवाइए, बहुत अच्छा है, पर हो सके तो अगले दो महीने में यहां पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे देसी खेलों का महाकुंभ करवाइए, छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें साल है, ऐसा आप करेंगे तो हमको वापस आने का मौका, आपका और आपके साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, जय हिंद जय महाराष्ट्र।
नजर में आप लोग।